स्टूडेंट्स, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म है हमारी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हमें दो या दो से ज्यादा वैल्यूज दे रखी है तो उनके बीच का कॉमन मल्टीपल्स क्या है, कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं उनके, और उनमें से अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस टॉपिक में हमारा एक वर्ड आता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ उसका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से पहले मल्टीपल की वीडियो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इस वीडियो को एंड तक देखिए एलसीएम फाइंड आउट करने के तरीके को समझने के लिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फाइंड आउट करो इनके कॉमन मल्टीपल्स को। तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स आपको पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ थ्री। थ्री के कौन कौन से मल्टीपल होंगे, मल्टीपल का मतलब थ्री से मल्टीप्लाई होने वाले सारे नंबर, जैसे थ्री थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन, जितने भी नंबर थ्री से डिवाइड होते हैं वो सारे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के फोर फाइव सिक्स लिख देंगे और उसके बाद डैश डैश छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से नाइन, तो आपको लिखना है मल्टीपल्स ऑफ नाइन, मल्टीपल्स ऑफ नाइन। तो यहाँ नाइन से डिवाइड होने वाली वैल्यूज लिख देनी है आपको और उसके बाद डैश डैश। हम डैश डैश क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे आगे और भी बहुत सारे है, ठीक है, जो आप कहां तक लिखेंगे। तो डैश डैश का मतलब होता है आगे इनफिनाइट तक, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने मल्टीपल्स लिख लिया। अब देखिए इनके कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि टू थ्री फोर फाइव मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, यहां लिखेंगे आप कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड नाइन। और देखिए कॉमन का मतलब है जो थ्री की भी टेबल में आ रहे हो, थ्री के मल्टीपल्स में भी आ रहे हो और नाइन के मल्टीपल्स में भी आते हो। तो देखिए थ्री की टेबल में नाइन आ रहा है और नाइन की टेबल में नाइन आ रहा है। इधर जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा 18, 21, 27 ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा 18, 27। तो मान लीजिए हमसे थ्री कॉमन मल्टीपल्स पूछा है तो आप क्या लिखेंगे, 9, 18, 27, ठीक है। कॉमन मल्टीपल समझ में आया, हम जो नंबर हमें दे रखे हैं चाहिए तो टू डिजिट के हैं, फिर थ्री डिजिट में दे रखा हो, फोर डिजिट दे रखा हो, यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ थ्री और थ्री से मल्टीप्लाई होने वाले सारे नंबर्स को लिखना है आपको। तो फोर और फाइव को लिख लीजिए, ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ नाइन लिखने हैं, नाइन से मल्टीप्लाई होने वाले सारे नंबर्स आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए जो बड़ा नंबर है मैक्सिमम टाइम उस बड़े नंबर की टेबल में जो वैल्यूज आती है वही मेनली हमारी क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नाइन दोनों टेबल में आ रहा है, 18, 27, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, 9, 18, 27। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनता है फाइंड एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल बताइए। तो आपको देखने से पता चल रहा है सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पर 9, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 9 का 9, ठीक है। आपको समझ आया, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें मैंने करा दी है, कॉमन मल्टीपल और लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है आपका वो आपका होता है एलसीएम, तो यहाँ हमने लिख दिया एलसीएम। अब इसी चीज को एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 and 11। 7 और 11 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करो, एलसीएम फाइंड आउट करो। देखिए यहाँ मल्टीपल्स लिखेंगे 7 के,
मल्टीपल्स ऑफ सेवन, सेवन के क्या होते हैं, सेवन, फोर्टीन, ट्वेंटी वन, सेवन की टेबल में 77 भी आता है, इसके अलावा 144 भी आता है। मतलब आपको ऐसे नंबर लेके चलना है जो आपको देख रहे हो यहाँ से कि जो कॉमन हो, अदरवाइज देखो आपने लिख दिया, जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आगे हमने कुछ लिखा नहीं, और 11 के मल्टीपल्स जब आपने लिखना स्टार्ट किया यहाँ तक आपने लिख के छोड़ दिया, अब आप कहोगे मैम इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, दिख रहा है ना कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना है, बीच बीच की और 10th मल्टीपल, 11th मल्टीपल, बीच बीच के कुछ ऐसे मल्टीपल्स भी हमें लिखने होंगे जिससे हमारा मल्टीपल निकल सके। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपका, यहाँ मैंने आपका लिखा है 77, 144, बीच के कुछ एक दो भी लिखने होंगे आपको ताकि मल्टीपल निकल सके। 11 का मैंने अब यहाँ से बीच का आपको लिख दिया 77, 88, ठीक है ये हमने लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कॉमन अब आपको दिख रहा है, देखिए थोड़ी सी तो मेहनत आपको सोचना, अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अब कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पर 77, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया हमारा 77, और भी आप निकाल सकते हो, कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 77, और भी आप निकाल सकते हो जैसे कि 154, यहाँ पर भी 11 की टेबल में आता है 154, तो यहाँ आ जाएगा 154। देखो जो आपका पहला कॉमन मल्टीपल निकला है ज्यादातर उसी के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कॉमन मल्टीपल्स में आती है, ठीक है, जो पहला निकला है उसी के मल्टीपल्स में, ठीक। अब यहाँ से एलसीएम आपसे पूछेंगे तो लीस्ट कौन सा है आपका 77, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 77, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको समझ में आए टॉपिक, वीडियो क्लियरली समझ आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।